भैया भैया जैसे कि आपको एक नया टैगलाइन मिला स्टार और कई स्टार को आपने सपोर्ट किया बिल्कुल किया हूँ मैं मुझे मैं एक सामाजिक जीवन जीता हूँ मुझे मदद करने में अब कोई माने ऐसा कुछ नहीं लेकिन मुझे मजा आता है अच्छा लगता है कई जितने भी कलाकार हैं नए मैं रवि किशन और मनोज तिवारी की दिनेश जी की बात पवन जी की बात करता हूँ पवन जी की फिल्मों की भी मैं मार्केटिंग किया तो जब पवन सिंह जी एक समय कहीं एक साथ ऑल इंडिया मैं ही रिलीज करवाया भोजपुरी राजा पहली बार बॉम्बे भोजपुरी मतलब एक रिलीजिंग का जो सिस्टम है पवन सिंह की पिक्चरें पहले फेस्टिवल में नहीं लगती थी मैं नहीं लगवाया सत्या फिल्म को होली में ऑल इंडिया रिलीज किया तो ठीक है वो मार्केटिंग का एक प्लान है पवन जी हम लोगों उस समय बहुत पिक्चरें किए हमारे डायरेक्टर सुजीत जी खेसारी जी दिनेश जी सबकी मैं करता हूँ मुझे मेरे हाथ जी में जिसकी भी आए मैं ऐसा नहीं कि मुझे किसी से उद्देश्य जिसकी फिल्म है उसकी मैं करता हूँ वो मेरा काम है और मुझे उसमें आनंद आता है राकेश मिश्रा हो प्रमोद प्रेमी हो रितेश पांडे हो अभी प्रिंस की एक पिक्चर की मैंने मार्केटिंग किया जाइए प्रिंस के पास समय नहीं है नरसिम्हा पिक्चर की मैंने मार्केटिंग किया आज 10 पिक्चर कर लिए तो स्टार मेकर मैं तो अपने आप को नहीं बोलता हूँ लेकिन आप नाम कहते हैं अगर है तो हूँ स्टार ब्रोकर भी था तो था स्टार डिस्ट्रीब्यूटर था तो था हर चीज में मैं और प्रोड्यूसर में आप बात आओगे बात कहने की सीनियरिटी की तो मेरे से सीनियर कोई नहीं है अभी फिल्म में मैं सबसे पहले का प्रोड्यूसर हूँ मैं 94 का सेंसर प्रोड्यूसर हूँ कुछ समय के लिए मैं छूट गया पीछे रह गया संघर्षमय जीवन रहा कोई आगे बढ़ा कोई पीछे बढ़ा बढ़ता रहा आज समय आया मन किया तो सिनेमा ही जिया हूँ मैं सिनेमा बनाना मुझे खुशी ऐसा नहीं कि बहुत फायदा हो उसके लिए मैं कर रहा हूँ मुझे आनंद आता है कि 10 लोगों के काम आ रहा है ये बहुत बढ़िया फिल्मों की मार्केटिंग वो तो करता रहूँगा तो मेरा मुख्य पेशा है वो कोई कोई वो नहीं छूटेगा उसने मुझे उससे मैं पला पोसा खून रक्त है उसने वो काम चलेगा मार्केटिंग क्या छोड़ेंगे वो मेरा मुख्य काम है ये तो पार्ट टाइम चलो कर लेते हैं अच्छी जब भी कहानी मिलेगी जरूर बनाएंगे इसमें कोई दो राय नहीं खेसारी लाल यादव जी भोजपुरी के सोमैन कहे जा रहे हैं प्रदीप शर्मा जी प्रदीप के शर्मा जी लिट्टी चोखा का मार्केटिंग किया बड़ी ओपनिंग रही उस टाइम में कोरोना काल बिल्कुल 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 अब वापस कोरोना काल के बाद जब से सिनेमा बंद होने वाला खुला और आज की रिलीज उसकी मार्केटिंग आपने किया देखिए लिट्टी चोखा की पहली बार कोई फिल्म 1 करोड़ में बिकी तो मैंने बेचा लिट्टी चोखा को पहली बार वंस यार तो वो हमने बेचा पिक्चर वो लिट्टी चोखा फिल्म थी 1.5 करोड़ में फिर आसकी को मैंने बेचा दिनेश जी की पहली फिल्म 1 करोड़ में मैंने बेचा सबसे सबका बाप अंगूठा छाप वो प्रदीप जी की फिल्म थी 1 करोड़ का आंकड़ा मैं ही दिया हूँ हाँ तो मैं तो हमेशा प्रोड्यूसर के लिए और कलाकार सबके लिए फायदेमंद रहा हूँ और कितनी फिल्में दिया वर्ल्ड वाइड दुनिया भोजपुरिया राजा सत्या भोज मास्टली जिसने भी पिक्चर मैंने किया सबके गाने ब्लॉकबस्टर हिट हुए पिक्चर हिट हुई रिलीजिंग हुआ ये ईश्वर की कृपा बिल्कुल मिली आसकी पिक्चर के देखिए बनने बनवाने में खेसारी जी की भूमिका उस कहानी पे 15 दिन मैं भी मंथन किया हूँ बैठ के हम लोग रात दिन उसमें मंथन किए थे और प्रदीप जी ने बनाया अच्छी बनाया तो वो तो अद्भुत फिल्म है आज की अद्भुत फिल्म है उसका एक एक चीज अलग है उसमें कोई ये नहीं है वो कहानी अच्छी खेसारी जी ने कहानी दिया पहली आसकी की जो कहानी बन रही थी उसको हमने ही कट करवाया पहली जो आसकी की कहानी थी हमने बोला मेरे से लोग पूछे कैसी लगी भैया मेरे को अच्छी नहीं लगी राइटर नाराज हो गए प्रोड्यूसर नाराज हो गए फिर ये कहानी ऐसे बैठा अच्छा लगा आज उसका प्रतिसाद अच्छा मिल रहा है सब लूट रहा है लूट अब नहीं पराग जी तो हमेशा अच्छा चीज को सपोर्ट करते हैं
उनको भी अच्छा लगा, अच्छा बनाए और शूट करेंगे तभी ना आप अच्छा, देखिए खाना बनाने वाला अच्छा नहीं रहेगा तो पैसा लगा के हम क्या करेंगे, पैसा हम लगा रहे हैं अनाज दे रहे हैं, बट बना तो पराकट निर्देशक ही रहा है ना, तो अच्छे हैं ट्यूनिंग है हमारी और हम आगे और भी बनाएंगे, हम सुजीत सिंह भी से भी हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, मेरे प्रिय डायरेक्टरों में से वो हैं, उनके साथ भी फिल्म करूँगा, लाल बाबू पंडित जी उनके साथ भी करूँगा, देव पांडे जी उनके साथ भी करूँगा, ये लोग एक है सबकी ट्यूनिंग जो करना है मुझे। एक साल में कितनी फिल्म बनाने वाले हैं आप? ये नहीं कहूँगा, ये मैं बोलूँ चार बनाऊँ पाँच बनाऊँ ये सब बेमानी बातें हैं, लेकिन दो तीन तो बना ही लूँगा। और बनाना क्या करना है, काम करना है, सबको जुटाना है, काम करना है, मेरे लिए सब लोग को कोई पैसा नहीं लिया, लोग बोलते हैं पैसा अरे का है का, कोई नहीं लिया, अरे भाई हाँ हम देंगे मेहनताना, ये नहीं है कि नहीं देंगे, सबको मिलेगा, हम भी कहीं से पैसा उठाया, ऐसा भी नहीं कि हम करोड़पति हैं, कहीं से पैसा हमने भी लिया है, बना के मिल बांट के सबके परिश्रमिक देना है, मुझे इसमें आनंद है। तो खेसारी जी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसमें कोई दोराय नहीं है, तो खेसारी जी से मेरी ट्यूनिंग अच्छी, खेसारी जी हमेशा सपोर्ट की है और वो स्टार है, स्टार को ईश्वर बनाता है, जनता बनाती है, वो पारस पत्थर है जिसे छुएंगे वो सोना होगा, मैं एक आपके सर पे भी हाथ रख दें आप भी सोना हो जाएंगे, कोई वो है वक्त तो है। अब हर किसी का कोई ना कोई प्यारा होता है भाई, हाँ तो ये है। और बोलिए रही बात मार्केटिंग की, तो मैं तो दिनेश जी के लिए पिक्चर करता हूँ, प्राण जी के भी पिक्चर करता हूँ, जो आएगा उसके लिए करना है, वो मेरा मुख्य काम, वो चलता रहेगा, वो नहीं बंद होने वाला भाई। हाँ और अपने जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी अच्छा साथी, अगर कोई अच्छी कहानी लगे मैं खड़ा हूँ उस दिन बनाने के लिए, किसी के साथ मतलब कोई डायरेक्टर शहर में दे सकते, भोजपुरी सिनेमा में अच्छी चीज बनने के लिए आप तैयार हैं? हाँ हाँ, तो उसी से पला बड़ा हूँ, जिया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, सिनेमा ही बनाए, बिल्कुल बने। थैंक यू। भैया ढेर सारी बधाई हो, बोल दादा बोल, एक बार फिर आप निर्माण के क्षेत्र में उतरे, उस दौर में भोजपुरी के सुपरस्टार चुनाव सिंह जी महानायक थे जी, इस बार भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी, वो भी यादव फिर यादव जी, तो ये श्री कृष्ण वाला कही जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये संजोग है, इत्तफाक है, उस समय सुपरस्टार कुणाल जी ही थे, तो अब उनसे चूंकि जरूर लगाव था, कहीं ना कहीं कनेक्शन था, हमने उन लोगों को बताए बनाए, अच्छा भी रहा। और इस बार खेसारी लाल जी से मैंने बनाने को तो पहले भी कई बार सोचा, पवन जी के साथ भी एक बार बहुत जिक्र हुई, लेकिन नहीं बनाया, खेसारी लाल जी के साथ आ गया, संजोग बन गया, ये संजोग है, ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रायोजित काम नहीं है। हाँ ये है जरूर है कि अब मैं सोचा कि भाई ये हैं और मैं हूँ, तो क्यों ना इन पे फिल्म, हम हमारे आराध्य कृष्ण रहे हैं और पूरी दुनिया जगत के आराध्य हैं, राधे हैं, तो अच्छा लगा, बस हो गया, कहानी मिली कि नहीं किया जाए। हाँ थोड़ा जरूर अपनापन तो जरूर है भाई, राधे से लगाव है, हम लोग कृष्ण के जरूर हैं, तो वो तो है। इसमें वो राधा बोल रहे कि साड़ी लाल यादव के साथ तीन हीरोइन नजर आ रही है, सवाल मेरा ये रहा कि मेघा श्री साउथ से आती है जी, और आपने राधा के लिए उस साउथ एक्ट्रेस को आपने क्यों चुना? ऐसा है कि राधा सबकी आराध्य है, तो बड़ा इस पे गहन मंथन हुआ कि राधा कौन बने, राधा भले ही सिनेमा हो लेकिन राधा आदमी बोलता है तो राधा याद आ जाती है दूसरी, तो मैं एक चाहता था कि फ्रेश छवि हो, एक मतलब स्वच्छ हो, कोई दाग ना हो राधा पे हमें, तो एक चरित्र गढ़े तो एक नहीं एक फ्रेश चेहरा है राधा। और हमारी दूसरी हीरोइन भी अपनी है जो माहिमा सिंह है, वो भी एक एल्बम में तो है लेकिन उसका भी चरित्र बेदाग रहा है, मतलब स्वच्छ एक रिस्पेक्ट है उसका। तीसरी अरुणा जी हैं बिहार से ही हम, हमारी वो बहुत चर्चित तो नहीं है बट बेदाग है,
तो और मेरे यूनिट में जितने लोग हैं, मैं इसका पूरा ख्याल रखा हूँ कि करीब करीब मेरी नज़रों में, हम ये नहीं कह रहे आदमी हर आदमी अच्छा होता है कोई, मेरी नज़रों में कि नहीं एक अच्छा जो करेक्टर है अच्छा कर सके और उसमें करेक्टर में कहानी में बैठ सके, तो उसका चुनाव किया गया। और कुछ दूसरा कारण है तो मुझे वो उस लड़की से, मैं अपराधी में हम मिले थे, अपराधी में काम किए थे, अपराधी की मार्केटिंग मैं ही किया, बनवाने में मेरी भूमिका भी है, राउडी इंस्पेक्टर की पिक्चर की भी जो बनी है साउथ में, जिसमें जो खेसारी जी और मेघा जी पहली फिल्म थी, पहले राइट नाम था उसका ना, पहले जो राइट नाम वो तमिल तेलुगु में उस कहानी का नाम था, बट बाद में उसका नाम राउडी इंस्पेक्टर हुआ। तो खेसारी जी जब अपराधी कर रहे थे, हमने खोजी तो उस समय भी बोले कि भैया ये लड़की अच्छी है, इसको लेते हैं। हमने लिया गया, मिले भी, अच्छा लगा, और गुड एक्टर्स, टैलेंटेड लड़की है, आ गए काम करने का उसमें। तो मेरी नज़रों में वो थी और मुझे लगा कि वेदाग चेते अलग है, थोड़ा सा फ्रेश चेहरा, राधा का करेक्टर है, अच्छा होना चाहिए, तो हुआ, इतफाक है, संजोग है, मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा कि करेक्टर में है, हम लोग पराग जी, हम लोग डिसीजन, तो ये डिसीजन लिया गया कि नहीं उसको किया जाए। फिर महिमा का ये हुआ, महिमा तो एल्बम से फिल्म भी नहीं की है, लेकिन फिर भी अब एक नाम है, लगा कि अच्छा है, एक मीरा का करेक्टर है, किया गया। राधा की कई सहेलियाँ थी, राधा की 8 सहेलियाँ हो गई, तो ओरिजिनल कृष्ण में भी राधा की 8 सहेलियाँ थी, जिनका नाम श्यामा था, एक का नाम ललिता था, एक का नाम भद्रा था, एक का नाम, अब कई नाम है वो याद नहीं है, हाँ विशाखा थी एक उनकी सहेली। तो हमने ऐसे ही इस पिक्चर में नामकरण किया है। जो खेसारी जी के पिता का नाम है वो नंदन जी है, आपको ये जो ये है देवकी जी हैं, बहन सुभद्रा है उनका नाम, हमने ऐसे ही रखा। सुभद्रा की शादी वहाँ हुई थी ना उनके अपना अर्जुन से, कृष्ण की बहन थी। पार्ट टू बनेगा तो पार्ट टू ईश्वर की इच्छा, कृपा कृष्ण की है और क्या। तो जो इतना आपने बना दिया तो पूरी फिल्म भक्ति लग रही है। हाँ, भक्ति है या क्या? नहीं, भक्ति है इसमें, तीज भी है औरत का, एक छठ का बहुत बड़ा क्लाइमेक्स है, छठ है इस पिक्चर का, पूरी आस्तिक फिल्म है। खेसारी जी पहले नास्तिक रहते हैं, जो जानवर मतलब बकरी को काट खाते हैं, बाद में ऐसा घटनाएं इंसिडेंट घटती है कि वो जानवर से, फिर उनके बकरी से प्यार हो गया उनको, और उस बकरी के जान के लिए छठ का व्रत करते हैं। ये कहानी है, मतलब प्यार की प्रकाष्ठा है। अभी उन्होंने कहा कि वो तो एक मजाक है, सभी हीरोइन एक बार कह दिए थे कि एक कहानी, असल में बोल रहा था, बोल 4 महीने 5 महीने पहले से तैयारी हम लोग की थी, कुछ समय अंतराल चढ़ता गया और इसका टाइम बढ़ता गया, तो उस समय ये बोल दी कि नहीं मैं बकरी से भी प्यार करता हूँ, तो इस पे बहुत से हीरोइनों का ये विरोध आया, ऐसा लगा उन लोगों में कि हम लोग अपमानित करें, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, वो कहानी से रिलेटेड था और वो कहानी का यही थी, बोल रहा था बोल थी, वो बोलने का उद्देश्य यही थी, यही फिल्म थी कि हम तो हाँ। देखिए ऐसा है कि इसमें हमको पराग पाटिल जी ने मेरे को बड़ा प्रेरित, हम लोग तो डे करीब साथ ही रहते हैं, उनकी सारी फिल्मों की मार्केटिंग करता हूं मैं, तो बराबर बोलते थे कि भैया आप बनाओ बनाओ, मैं मार्केटिंग करता हूं, प्रोड्यूसर सबको पैसा दिलवाता हूं, अंडर प्रोडक्शन कंपनी से 40 लाख 50 लाख 60 लाख मैं हर पिक्चर में दिलवाता हूँ प्रोड्यूसर को। तो बोला भैया आप, हम करते हैं ये करते हैं उधर यहाँ से लेके यहाँ, तो हम आप क्यों नहीं बनाते हैं? कि नहीं बनाते थे भाई, ठीक है चलो करते हैं। फिर खेसारी जी से बात हुई तो कहानी ये वही बताई कि भैया ये कैसा है कहानी, मुझे गुड गया, ये कहानी 2 बरस से कोई इस पर हाथ नहीं लगा रहा था, ये कहानी 2-3 बरस से बन के घूम रही थी, सब लोग भाग जाते थे, मुझे अच्छी लगी, हम नहीं बनाते हैं आप। तो अब 7 दिन संबंध है तो बोले हैं खड़े हैं, तब हमारे लिए तो सोचना क्या, कृष्ण हैं ही मेरे लिए, खड़े हैं खेसारी जी, इसमें कोई दो राय नहीं जी, बिल्कुल। जो ये हवा है कि खेसारी जी का पैसा है, आप प्रोड्यूसर हैं, ये कहाँ पैसे चाहिए लोग नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं, खेसारी जी का पैसे की कोई बात नहीं है, और खेसारी जी यहाँ खड़े हैं वही पैसा है, पैसा वो किसी से पहले लेते,
इसमें हुआ कि भैया बाद में लेने हो गया, वही हेल्प हो गया। पैसा तो मैं हंताना पड़े, फिर हमें किसी का, मैंने कहा है कि मेरी पिक्चर खत्म होगी और एक रुपया किसी का बकाया नहीं रहेगा, एक रुपया किसी का मुझे नहीं रखना। तो नहीं आपसे नाराज, नाराज तो कोई नहीं है, थोड़ी सी जलन की बू जरूर आ रही है अपनों में ही, गैरों में कहाँ होती है, अपनों को ही होती है। जब आप आगे बढ़ते हो तो अपने ही जलते हैं जो पास होते हैं, जो बहुत दूर है उसको कोई मतलब नहीं होता है। पराग पाटिल का स्टाइल इस बोल राधा बोल के लिए कितना बेनिफिट कराने वाला है? पराग जी गुड टेक्निशियन है और पराग जी से तो मेरे बहुत पुराने संबंध नहीं थे, मेरा संबंध नहीं से लिट्टी चोखा से हुआ संबंध था, बट उसमें हम करीब आए, क्लोज आए। इनकी पिक्चरों की मार्केटिंग मेरे हाथ में ही, शर्मा जी की पिक्चर थी, खेसारी जी भाई, तो मोस्टली खेसारी जी की सारी फिल्में करीब करीब मतलब 60% 80% मैं ही करता हूँ, तो स्वाभाविक है कि सम्मान बढ़ता गया। कहानी अच्छी लगी, गुड टेक्निशियन सारे मेरे लिए, सारे डायरेक्टर अच्छे, देखिए मेरे खासम खास में बहुत लोग डायरेक्टर हैं। बोल राधा बोल के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शक तो मालिक है, जनता है, अपीले अपील है, जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है, जनता ही मालिक है, जनता ही जनार्दन है। तो अपील हम यही करेंगे कि हम हमारी मेहनत को इसके प्रतिफल के रूप में आशीर्वाद में अच्छा हो, ताकि हम और बनाएं, और क्या चाहिए, यही चाहिए हमें। हमारे मित्र हैं विजय यादव जी, इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, खेसारी जी का और मेरा केमिस्ट्री आप लोग देख चुके हैं, तो अच्छी फिल्म है, म्यूजिकल है, गानों पर अच्छा काम हुआ है और गोरखपुर में हम लोग शूट कर रहे हैं, लोकेशन बड़ा फ्रेश है। इस आजकल के दौर में ऐसा लोकेशन, ऐसा घर बड़ा मुश्किल से मिलता है, ये घर जो लोकेशन है हमारा बहुत नेचुरल लग रहा है और माता पिता हैं, बच्चे को प्यार करती हैं, लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं माँ का बच्चे के लिए रुझान ज़्यादा रहता है, पिता भी प्यार करता है लेकिन थोड़ा डांटते रहता है कि उसका बेटरमेंट चाहता है, वो कभी जाहिर नहीं करता, तो थोड़ा सीरियस है, भक्ति वाला है और बाप ईश्वर में विश्वास करता है, ये भी करता है लेकिन दिखावा नहीं करता, थोड़ा नास्तिक टाइप का है। विजय यादव जी की उम्र 1994 में फिल्म बनाई थी चला सकते दुल्हा दे, उस टाइम में सुपरस्टार कुणाल सिंह जी हुआ करते थे और अब वो जो है एक बार फिर जो है वापस एज ए प्रोड्यूसर, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मेरी शुभकामनाएं हैं, हम जैसे भी हो एज एक्टर मैं सहयोग कर रहा हूँ, मुझे खुशी है, हर आदमी सफल हो, हर आदमी जो सालों से संघर्ष कर रहा है उसका विकास हो, तो बहुत सारी शुभकामनाएं है पूरी टीम के लिए। खेसारी जी के साथ बहुत सारी फिल्में हैं, हमारी उनकी केमिस्ट्री बहुत कमाल की, इसलिए हम लोग एक ही जगह के हैं, हमारी भोजपुरी भी एक है और हम दोनों एक अच्छे मित्र भी हैं, तो वो स्क्रीन पे दिखता है, लोग पसंद करते हैं। और कौन कौन हीरो के पिताजी आप बन चुके हैं? हाँ लगभग सबका तो हो ही गई बात, तो क्यों नया क्यों आई करे बची नहीं, तो अभी तक जो भी काम करता इंडस्ट्री में बा हीरोइन तमाम लोग के साथ है, तो बाप के रोल करते बने। पराग पाटिल जी के साथ बहुत पहले मैंने एक एपिसोड किया था, वो एक टेलीविजन के लिए, और सिनेमा फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। पराग जी गुणी है, बहुत मेहनत करते हैं, मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे लैंग्वेज को इतना बढ़िया से जान गए हैं, वो हमारे कल्चर को शूट कर रहे हैं, कई फिल्में सफल रही हैं जो लोगों को बहुत पसंद आई हैं और ईश्वर की कृपा रही तो ये भी लोगों को पसंद आएगी, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत पूरी टीम मेहनत कर रही है, लगन से कर रही है। जहाँ शूटिंग हो रही है राजा गांव, क्या कहना चाहते हैं?
ये लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं और यहाँ कोई होटिंग नहीं है, यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत फ्रेश है और हम लोग एक अच्छे माहौल में काम कर रहे हैं। मौसम भी बड़ा प्यारा है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी। और गोरखपुर हमारा, गोरखपुर आने का मतलब कि हम अपना अपने गांव आ गए, अपनी मिट्टी की खुशबू मिलती है। ये लोकेशन जो घर है मंत्री जी का आवास है जी, मतलब सैकड़ों साल पुराना है, क्या कहना चाहेंगे, आज भी बनाया हुआ है इस तरह के घर। ये तो नहीं है, उस तरफ दिखा दीजिएगा, तो लकड़ी का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, खपड़ा नरियल हम वो बोलते ना, नरिया खपड़ा के घर बोल सकते हैं, तो बड़ा अच्छा हाँ मेंटेन किए हैं लोग। और अंदर जाके देख लीजिएगा, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, मंत्री जी बहुत अच्छे, फैमिली बहुत अच्छी है, सबको सपोर्ट करती है। नहीं कि दो दिन में लोग उब गए, मुँह बनाने लगे, नहीं, ये लोग भी इंजॉय करते हैं, हमारे परफॉर्मेंस को भी देखते रहते हैं। हाँ और कौन कौन फिल्में आपकी आने वाली हैं? आने वाली मेरी अभी कुछ 23 फिल्में हैं, जो कुछ डबिंग में है, एडिटिंग में है, कुछ तो उनका ट्रेलर तमाम सब आ रही हैं, करीब करीब 10-11 फिल्में रिलीज पे हैं। उसमें कुछ बी फॉर यू की हैं, यश कुमार जी के साथ में हैं, खेसारी जी के साथ में हैं, तमाम जो लड़के कर रहे हैं, नए लड़कों के साथ भी हैं, तो बहुत सी फिल्में हैं। कितनी फिल्में मैंने किया है, मैंने गिनती तो नहीं किया है, लेकिन ठीक है 150 जो भी है अच्छी हैं। मेरा प्रयास रहता है कि जो भी काम करूं लोग उसका आनंद लें और साफ सुथरी फिल्में बने। आजकल जो सिनेमा का बदलाव हुआ है, प्रतियोगी सिनेमा बन रहा है, नए नए सब्जेक्ट में सिनेमा बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता था कि ये दिन आया और ईश्वर ने हमारी सुन लिया, आ गया है। अब आप परिवार के साथ बैठ के भोजपुरी खूब देखिए, अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, साफ सुथरे गीत हमारे कल्चर पे बन रही है। और नया एक्सपेरिमेंट क्या है, अभी तो भोजपुरी कल्चर में इतना स्कोप है, अभी लोगों को पता ही नहीं है कि भोजपुरी में कितना क्या क्या भी है, जो मतलब इस पर फिल्में बन सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारा कल्चर है, अभी पूर्णतः अगर देखा जाए, एक पर्व है छठ, ठीक है, छठ को लेकर के बहुत सी फिल्में बन सकती हैं, बनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी फिल्म बने जिसमें छठ को विधिवत दिखाया जाए, पीढ़िया को, गोवर्धन को जिसे गोधन बोलते हैं। तो भोजपुरी कल्चर, भोजपुरी संस्कृति के बारे में अब कुल मिला के गंभीरता से काम लोग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हमारे जो भी दर्शक हैं, हमें चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले, उनको मैं बता दूं कि भोजपुरी को भाषा का दर्जा नहीं मिला है, बट मुझे लग रहा है कि ये सनातनी बोली है, बहुत शुद्ध बोली है, बहुत प्यारी बोली है, मीठी बोली है। और जितना इसमें पवित्रता हम रखेंगे, जितना हम साफ सफाई रखेंगे, ये फलित होगी, खूब बढ़ेगी। जैसे देखिएगा आप, मराठी लोग अपनी फिल्में बनाते हैं, बंगाली लोग कमाल की फिल्में होती हैं, छोटी छोटी फिल्में होती हैं, मतलब आँख भर जाती, कभी कभी इतना इमोशंस होते हैं, ज़्यादा ताम झाम नहीं होता, बट मन नहीं करता कि तो नज़र हटाए या पलक झपकाए एक सेकंड के लिए भी। आपका भी बहुत बहुत आभार, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, जय माता की। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.